राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने पर झारखंड समेत पूरे देश में कांग्रेस आज सत्याग्रह करने वाली है। शनिवार को रांची से लेकर जमशेदपुर तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि संसद में रहूं या ना रहूं, लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं माफी मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो सावरकर नहीं गांधी हैं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। सदस्यता निरस्त होने पर आक्रोश, रांची से लेकर जमशेदपुर तक कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। साथ ही उन्होंने अडानी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर। केंद्र सरकार अगर मुझे जेल में डाल देगी तब भी मैं अपनी बातों पर अड़ा रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई। दिल्ली में एक और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं रांची से जमशेदपुर तक कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये बात कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की सदस्यता की नहीं, ये लोकतंत्र में हमले की बात है कि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, उसमें किस तरीके से मोदी जी शासन करना चाह रहे हैं। हम संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ते हुए जीवन बनाए हैं। राहुल गांधी को कोई संसद में पहुंचने की जल्दी भले नहीं हो, लेकिन वो रोड पे आ गए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी हमसे करे लेकिन मैं बोलता रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे राज्य के मोरावादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन आहूत की गई है, जो आंदोलन 10 से 5 बजे शाम तक चलेगी। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह कानून के मुताबिक है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में सबके लिए कानून एक समान होते हैं, जबकि आजसू ने भी कांग्रेस को कानून का सम्मान करने की नसीहत दी है। जो भी कार्रवाई हुई है कानून के तहत हुई है, कानून सम्मत हुई है और कानून अपना काम करती है। हर कोई इस चीज को ये कहता है कि कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया जो भी वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए ये सारे काम हुए हैं। बड़े लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनके लिए अलग कानून बना हुए देश में, ये तो नहीं होगी भाई। डेमोक्रेसी सबके लिए बराबर है ये कानून। जब और विधायकों की सदस्यता जा सकती है और MP लोगों की सदस्यता जा सकती है, उस कानून के तहत 2 साल से अधिक की सजा होगी, तो राहुल गांधी की भी सजा हुई 2 साल से अधिक, तो क्यों नहीं जाते। न्यायालय के निर्णय को सम्मान करना चाहिए और बड़े लोगों से लोग उम्मीद करते हैं कि वो सुचिता को कायम रखे, स्थापित रखे। उनसे उम्मीद ये नहीं करते हैं कि कोई सामाजिक रूप से ऐसी टिप्पणी ना की जाए या किसी बड़े जनसमुदाय को ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे उनको आहत पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीजेपी नेता ने सूरत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया। लेकिन कांग्रेस में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर और बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए संसद की सदस्य, जो सांसद की सदस्यता थी उसे निरस्त किया कोर्ट ने और उसके बाद कांग्रेस में उबाल है देश भर में और इसी कड़ी में आज सत्याग्रह करने वाली है कांग्रेस पार्टी। झारखंड में भी तैयारी है।
बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की सदस्यता जब से लोकसभा से खारिज हुई है उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है, कांग्रेस जो है वो आंदोलन के मूड में है। और कल ही आपने देखा होगा कि तमाम जिलों में और देश के तमाम राज्यों में जो है वो प्रधानमंत्री के पुतले फूके गए, उसके बाद मशाल जुलूस निकाला गया। और आज उसी कड़ी में पूरे देश में कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह करने जा रही है। झारखंड में भी जो PCC है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम यही बापू वाटिका के समक्ष होना है और उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब से कुछ घंटों के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे आपको यही मौजूद मिलेंगे सत्याग्रह करते हुए। तो तैयारी हो चुकी है इस कार्यक्रम को लेकर और राजधानी के साथ साथ तमाम जिलों में भी कांग्रेस ने यह कार्यक्रम रखा है। राजधानी में चूंकि एक बड़ा मैसेज यहाँ से देना है, लिहाजा बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। कांग्रेस कोटे के जो तमाम मंत्री सरकार में है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कई विधायकों के रहने की बात कही जा रही है, खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद रहेंगे। तो सत्याग्रह के माध्यम से एक बड़ा मैसेज कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है पूरे देश में कि मौजूदा जो देश का हालात है वो कहीं से भी विपक्षी पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं कि सही नहीं है। विपक्षी दलों को एक तरीके से सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस तरह का माहौल है और इसी माहौल को बताने की कोशिश लगातार कल से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर कर रही है। ये कह रही है कि लोकतंत्र के लिए ये जो फैसला है एक तरीके से काला फैसले के तौर पर कांग्रेस इसे बता रही है। और लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो कांग्रेस कर रही है सड़कों पर उतर कर, दरअसल कर्नाटक में चूंकि चुनाव हो रहे हैं भारतीय, हालांकि चुनाव के डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं लेकिन आने वाले दिनों में वहां चुनाव होना है। कांग्रेस ने उम्मीदवार लिस्ट भी पहली जारी भी वहां कर दी है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर की जा रही है। कल रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई। बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो दरअसल ओबीसी समाज को लेकर कहा है। तो पिछड़ों की कहीं ना कहीं एक तरीके की जो सियासत पूरे देश में चलती रही है तो उसको लेकर भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं हमलावर है। दूसरी तरफ पूरी विपक्षी पार्टियां जो है वो राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले। तो अब एक जो लड़ाई यहाँ से है 2024 से पहले की जो ये लड़ाई है वो अब निर्णायक स्थिति में आपको नजर आएगी आने वाले दिनों में। और एक जो बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है आरती की, पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है और कांग्रेस इस एकजुटता को कायम करने में कितनी कामयाब होती है ये तो देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी के प्रकरण में अब कांग्रेस पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुकी है और मुखर होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन का रूप अख्तियार कर चुकी है। उसी कड़ी में आज जो है पूरे देश सहित झारखंड में भी सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है। आरती, चलिए तो अब देखना होगा जब यहाँ पर शुरू होगा कार्यक्रम सत्याग्रह के लिए कांग्रेसी बैठेंगे उस वक्त की भी तस्वीर हम दिखाएंगे। राकेश, फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जैसे ही सदस्यता रद्द हुई राहुल गांधी की, उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस में आक्रोश है और इसी को लेकर सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस आज देश भर में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।